नमस्कार दोस्तों, आज तक हमें ये बताया गया है कि इस देश में किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते, कोई बाच विचार नहीं होता, पात्र अंतर नहीं होता, किसी को भेदभाव नहीं होता। इस देश में हर कोई एक समान है, हमें पढ़ाया जाता है और हमें समझते भी हैं। लेकिन ये कहाँ तक सच है? अगर आप भारत के संविधान, भारत के आईन को देखेंगे तो आपको एक बात लगेगा कि राइट टू इक्वालिटी या समानता का अधिकार एक सबसे बड़ा जोक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो 1976 में सेकुलर वर्ड भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है। 1950 में जब भारत का संविधान बना तब भारत का संविधान सेकुलर संविधान नहीं था, लेकिन 1976 में इसको इमरजेंसी के दौरान ही इनपुट किया गया है, जिस पर कोई 2/3 मेजोरिटी भी अप्लीकेबल नहीं हुआ है। आज तक इसको किसी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे भारत में इनइक्वालिटी है। देखिए, आर्टिकल 14 कहता है कि भारत में जो जितने भी लोग हैं उनको समानता का अधिकार है। जितने भी लोग, मतलब इंडियन नॉन इंडियन दोनों मिलाकर। फिर आर्टिकल 15 कहता है कि भारतीय नागरिकों को समान अधिकार है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, एनीथिंग। लेकिन अब झोल शुरू होता है इक्वालिटी का। अब वही आर्टिकल 15 में 3-4 में सेक्शन जो 3-4 है वहाँ पर प्रोविजन किया गया है, वोमेन, चाइल्ड और ग्रुप ऑफ सिटीजन को स्पेशल प्रोविजन मिलेगा। तो अभी पहले एक नागरिक थे, फिर अभी डिवाइड करके दो क्लास में बांट लिए गए, और वोमेन, चाइल्ड और सम ग्रुप ऑफ सिटीजन को उनके राइट्स थोड़े बढ़ गए। आर्टिकल 26 क्या कहता है? डील्स विद द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो हर जो धर्म होता है वो अपने अपने अनुसार अपने अपने धर्म को कैसे पालन करेगा वो स्वतंत्र है और वो इसके लिए स्वाधीन है, वो पालन कर सकता है। तो हम इस आर्टिकल में हम बोल सकते हैं कि यस, हाँ, वी आर ऑल इक्वल। बट जब आगे जाते हैं, आगे दो आर्टिकल हैं जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ए 29 एंड 30। ए आर्टिकल क्या करता है? प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज देता है। तो किस तरह से माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देता है, चलिए हम देखते हैं। तो फिर क्या होता है, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देता है। तो आर्टिकल 29-30 क्या करता है? डिवाइड कर देता है, दो भागों में, दो टुकड़े कर देता है। हिंदू एक तरफ कर देता है और जो माइनॉरिटीज है, जो जैन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, उनको एक अलग तरफ ले जाता है। तो यहाँ पर तो इक्वालिटी नहीं हुआ, क्योंकि जो प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज को मिलेगा मेजोरिटी को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम आर्टिकल 29 क्या कहता है देखते हैं। आर्टिकल 29 कहता है, डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। तो अभी यहाँ पर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, जब माइनॉरिटीज के कल्चर की बात हम करते हैं, देखिए बुद्धिस्ट का कल्चर अलग हो सकता है, जैन का कल्चर अलग हो सकता है, सिख का कल्चर अलग हो सकता है, और मुस्लिम का कल्चर अलग हो सकता है, क्रिश्चियन का जो कल्चर है अलग हो सकता है, हिंदू का कल्चर अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप आयरनी देखिए, हमारा जो कल्चर किससे पता चलता है? कल्चर पता चलता है पर्सनल लॉ से। और इंडिया में 3 पर्सनल लॉ काम कर रहे हैं, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ एंड क्रिश्चियन पर्सनल लॉ। तो आप बताइए यहाँ पर क्या कोई इक्वालिटी हुआ? जब आप पर्सनल लॉ अलग अलग दे रहे तो सभी धर्मों को आपको अलग अलग पर्सनल लॉ देने चाहिए थे। आप 4 जो इंडिजीनियस रिलीजन है उसको आप एक ब्लॉक करके एक पर्सनल लॉ बना दिए और फिर बाकी के
दो जो रिलीजन है, नॉन इंडिजिनियस रिलीजन है, उन लोगों को आप अलग अलग पर्सनल लॉ दिए, तो यहाँ पर तो कोई इक्वालिटी हुआ नहीं। आपको अगर पर्सनल लॉ एक बनाना था तो सबका एक बना दे तो इक्वालिटी कुछ झलकता, लेकिन अब वहीं पर माइनॉरिटी प्रोटेक्शन कल्चर के नाम पे आप अलग अलग पर्सनल लॉ उन लोगों को दे देते हो, लेकिन वहीं पर आप लोग भूल जाते हो क्योंकि और तीन जो हैं वो भी माइनॉरिटीज हैं, उनका पर्सनल लॉ मेजोरिटी के एक मतलब हिंदुओं के साथ आप जोड़ देते हो। मैं नहीं कहता हूँ कि उनका पर्सनल लॉ थोड़ा बहुत अलग है, सेम है, लेकिन फिर भी अगर लॉ वाइडर्स अगर सबको दृष्टिकोण में इक्वलिटी के अनुसार बनाया गया था तो सभी को एक पर्सनल लॉ पे आप एडजस्ट करते, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 कहता है भारतीय संविधान वो भी पूरा हो जाता, और आज बीजेपी इतना हल्ला नहीं करती यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो चलो हम वो भी मान लेते हैं। फिर हम हाँ आते हैं आर्टिकल 30 को। आर्टिकल 30 क्या कहता है, हमको अभी देखना है आर्टिकल 30 क्या कहता है। आर्टिकल 30 कहता है कि डील्स विद द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर कहता है कि राइट माइनॉरिटीज जो हैं वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको परिचालन भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए वो कर सकते हैं, वो अपने रिलीजियस स्टडी पढ़ा सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, जैसे मदरसा में है वहाँ पर रिलीजियस स्टडी पढ़ाई जाती है, लेकिन लेकिन हिंदू अपना रिलीजियस स्टडी पढ़ा नहीं सकता। तो अब ये देखिए एक तरफ जहाँ पर कुछ लोग अपने धर्म के बारे में जान पा रहे हैं, दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़े आकार के लोग हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा नंबर के लोग हैं, ज़्यादा संख्या के लोग हैं जो कि अपने धर्म के बारे में जान नहीं पाते हैं। तो वो अपने धर्म को कैसे जानेंगे, उसके लिए सरकार ने कुछ किया नहीं है, और अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन के नाम में वहाँ पर जो गवर्नमेंट फंडेड करती है जो रिलीजियस स्टडीज़ को, कुछ कुछ रिलीजियस स्टडीज़ को मदरसा को गवर्नमेंट फंडेड करती है, एडेड होते हैं, गवर्नमेंट से एडेड लेते हैं, तो और कुछ तो कम्प्लीटली प्राइवेट होते हैं लेकिन कुछ गवर्नमेंट से एडेड लेते हैं। तो यहाँ पर भी इनइक्वालिटी है क्योंकि हर किसी को रिलीजियस स्टडी का अधिकार होना चाहिए और सबको रिलीजियस स्टडी मिलना चाहिए। कुछ को आप रिलीजियस स्टडी के लिए अलाउ कर रहे हो और कुछ को आप रिलीजियस स्टडी अलाउ नहीं कर रहे हो। और फिर सबसे बड़ा आयरनी ये है, चलो यहाँ पर मान लिया कोई रिलीजियस स्टडी दे रहा है तो आप उसको क्योंकि उनका कल्चर बचाना है, उनका वो बचाना है तो आप कर रहे हो, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, आरटीआई जो एक्ट है जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, जो वहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर आप कैसे मतलब आर्टिकल 30 को आप अप्लाई कर दे रहे हो, और आर्टिकल 30 के दम पर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बोलकर वहां से आरटीआई एक्ट को लागू नहीं करने देते हो। सुप्रीम कोर्ट मना कर देती है कि वहां एक्सक्लूड माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन आरटीई से एक्सक्लूडेड है। इसका मतलब आप जो भी हिंदू हिंदू ओनर होंगे जो स्कूल प्राइवेट कॉलेज का, वहां पर आप 25% नुकसान आप उनका कर दे रहे हो, 25% आप नुकसान कर रहे हो, और जबकि वहीं पर जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटीज लोगों द्वारा खोले गए इंस्टीट्यूशन है, वहां पर उनका 25% आप फायदा कर रहे हो। तो आप ये देखिए ये क्या इक्वलिटी है। आप जब एक एजुकेशन एक मान लीजिए एक व्यवसाय की तरह हो गया है तो अभी उसी कंडीशन पे आप एक आदमी के आप प्रॉफिट को 25% माइनस कर दोगे, क्या ये कोई जस्टिस है, इंसाफ है, न्याय है, आप क्या बोल सकते हो। तो अब देखिए इतने सारे आर्टिकल हमने गिना दिए हैं, कहीं पर क्या इक्वालिटी कुछ नजर आ रहा है, इक्वालिटी कहीं पर है क्या, आपको क्या लग रहा है, क्या रियली में भारत में जो सामा संविधान हम सबको इक्वालिटी देता है, या हमारे साथ अनजाने में कोई अन्याय हो रहा है। तो आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट सेक्शन पर लिख के बताइए। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो इस तरह से वीडियो के लिए आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।